गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे वी विल सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज 5F क्लास 6 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले हम 1 से 18 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जिसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। अगर नहीं देखा है तो देख लेंगे वहां से, या प्ले लिस्ट में भी है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19। सिंप्लीफाई 8 whole 5/6 माइनस 3 whole 3/8 प्लस 2 whole 7/12। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इट्स इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 6 8 जा 48 प्लस 5 53/6 माइनस है तो माइनस लगा लीजिए आप। 8 3 जा 24 24 और 3 27/8 प्लस है तो प्लस लिखिए। 12 2 जा 24 24 और 7 31/12। एलसीएम अगर आप ओरली नहीं निकाल सकते तो आपको सो करना पड़ेगा। 6 8 12 का एलसीएम सिंपल है, 24 आ जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 24। 6 का डिवाइड 24 में 4 टाइम्स गया, तो 4 का मल्टीपल करेंगे हम 53 में। 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 5 जा 20 और 1 21 है ना, माइनस है तो माइनस। 8 3 जा 3 टाइम्स गया, 3 का मल्टीपल करें, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 81 प्लस 12 का डिवाइड 24 में 2 टाइम्स, 2 का मल्टीपल 31 में करा 62। अब प्लस वाले को ऐड कर लीजिए, 2 2 4 1 6 7 2, या आप डायरेक्ट ओरल ही कर सकते हैं तो ओरल कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो ऐड करके सबट्रैक्ट करके। तो ये आ गया 274 माइनस 81/24। सबट्रैक्ट करना है हमें, 4 में से 1 सबट्रैक्ट करा 3, 7 में तो जाएगा नहीं तो बोरो लिया, 17 में से 8 गया तो 9, यहां रह गया 1। तो ये आंसर हुआ क्या, 193/24। लेकिन ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहिए। तो हम 24 का डिवाइड 193 में करें। ओके, तो ये कितनी टाइम्स चला जाएगा, 7 टाइम्स चला जाएगा ना, 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 16, 13 में बोरो लिया तो 13 में से 8 गया 5, 8 में से 6 गया 2, तो कितना हो गया, 7 whole 25/24 इज द आंसर। 7 whole, ये तो 25 बच रहा, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, तो एक बार ये तो बड़ा बच गया, ज्यादा चला जाएगा, एक बार चला जाएगा, यहां तो कम बचना चाहिए, यहां ध्यान नहीं दे रहा ना, 25 आ गया, तो 8 4 जा 30 192, क्या कर रहा हूं, सही रहा, यहीं देख लिया, 1 बचा, तो ये सॉरी ये होगा 8 whole 1/24। ओके, इट इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इन द क्वेश्चन 20, 6 whole 1/6 माइनस 5 whole 1/5 प्लस 3 whole 1/3। तो वही इम्प्रॉपर में लिखे पहले, 6 6 जा 36 1 37/6 माइनस 5 5 जा 25 1 26/5 प्लस 3 3 जा 9 1 10/3। 3 5 6 का एलसीएम 15 30 30 आ गया। ओके, 6 5 जा 5 टाइम्स गया, 5 का मल्टीपल कर दो, 5 7 जा 35 कैरी 3 5 3 जा 15 और 3 18, 5 7 जा 35 3, हाँ ठीक है, माइनस माइनस तो माइनस, 5 का डिवाइड 30 में 6 टाइम, 6 का मल्टीपल करें, 6 6 जा 36 और कैरी हुए 3 और 6 2 जा 12 और 3 15, ये 1 5 6 है, 5 है ये, है ना, प्लस 10 टाइम्स जाएगा 100 100 और 185 हो गया 285 माइनस 156/30। बोरो लिए 15 में से 6 गए 9, 7 में से 5 गए 2 और ये 1 बचा, और 4 टाइम्स 30 चौका 120, तो 4 whole 9/30 इज द आंसर। और जब ऐसे लिख लोगे तो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, 3 3 जा, पता है ये नहीं, अगर आप वहीं कैंसिल कर देना चाहिए था, 4 whole 3/10 इज द आंसर।
चलिए नहीं कुछ कंफ्यूज हो तो यहीं कैंसिल कर दो, 3 से कट जाएगा देखो, ओके। और 3 से काटो, 3 4 जा, 3 3 जा, तो इसको छोड़ो आप डायरेक्ट, नहीं कंफ्यूज हो, 4 होल 3 अपॉन 10, ऐसे भी काट सकते हैं, ये मालूम होना चाहिए आप लोगों को। तो ये आंसर आ गया 4 होल 3 अपॉन 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 21, 3 + 1 होल 1 अपॉन 5 + 2 अपॉन 3 - 7 अपॉन 15। तो पहले तो हम जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर, 5 बन जा 5 1 6 अपॉन 5, एक ही था, 3 का मतलब 3 अपॉन 1, 5 3 15 का एलसीएम क्या होगा, 5 3 दोनों 15 के फैक्टर हैं, अगर सारे फैक्टर हो तो सबसे बड़ा नंबर उसका एलसीएम होता है, वरना आप निकाल सकते हैं। 1 का डिवाइड 15 में, 15 टाइम्स 15 3 जा 45 प्लस का साइन है तो प्लस लगा दो, 5 का डिवाइड 15 में, 3 टाइम्स 3 6 जा 18, फिर प्लस है प्लस, अब 3 का डिवाइड 15 में दीजिए आप, 5 टाइम्स गया, और 5 2 जा 10 - 15 ये तो 7 है, 15 बन जा 15, 1 का 7 में करेंगे तो 7, तो क्या होगा ये 45 + 18, 45 और 8 53, और 10 63, और 10 73, 73 - 7 अपॉन 15, 73 में से 7 जाएंगे तो 67, तो 4 होल 7 अपॉन 6 7, ठीक है ये हो गया, बस एक बार चेक कर ले, मिस्टेक तो नहीं करी हमने, 3 5 बन जा 5 1 6 अपॉन 5 2 अपॉन 3 7 अपॉन 15 15, एलसीएम 15 3 जा 45 5 का 3 3 बार जाएगा 3 6 जा 18, 5 2 जा 10 7, ठीक है ऐड करने में सही गलत है, 45 20 मान लो, तो 20 और 60, अरे 63 होगा ये, 63 होगा ये, है ना, अच्छा 10 ये भी तो था, क्या गलती कर दिया, 73 हुआ, ठीक है 73 - 7 अपॉन 15 सही था, 73 में से 7 जाएंगे, 70 60, अरे 66 होगा, 66 अपॉन 15, क्या है मिस्टेक पर मिस्टेक कर रहे हैं, 66 ही तो होगा, 73 में से 7 गया 66, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 3 2 जा 3 5 जा, इसको मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं, 5 4 जा 20, 4 होल 2 अपॉन 5 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। नाउ नेक्स्ट 22। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 to 29 आर वर्ड प्रॉब्लम, और देखिए 22 क्या है, व्हाट शुड बी एडेड टू 9 होल 2 अपॉन 3 टू गेट 19, कैसे निकलेगा, क्वेश्चन का समझ में आ गया कि हम 9 होल 2 अपॉन 3 में क्या ऐड करें जिससे कि रिजल्ट 19 हो। अब दूसरे तरीके से समझाता हूं, मैं आपसे कहूं 15 है हमारे पास, 15 में कितना ऐड कर दें कि 20 हो जाए, तुरंत आंसर आ गया 5, आप लोगों ने भी बोला 5, कैसे आया, जितना हो जाए कितना हो जाए 20 उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो जिसमें ऐड करना है 15 में, तो 20 में से 50 को ऐड कर दें 5, तो क्या करेंगे इसमें जो हो जाए 19 हो जाए, तो 19 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लिखेंगे बी शुड बी एडेड 19 - दिस, करते हैं चलिए, तो लिखेंगे बी शुड बी एडेड 19 - किसमें ऐड करना था 9 होल 2 अपॉन 3, तो ये हो गया 19 - 3 9 जा 27, 27 और 2 29 अपॉन 3, इसका मतलब आपको पता ही है एलसीएम कितना आ गया 3, 3 का मल्टीपल 19 में करेंगे, 19 3 जा 57, 7 में से 9 जाएगा, बोरो लिया 17 में से 9 गया तो 8, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, तो ये आ गया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लें, 3 9 जा 27, रिमाइंडर कितना आया 1, तो 9 होल 1 अपॉन 3 हमें ऐड करना होगा, ओके। अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपके लिए, ध्यान से सुनिए, व्हाट शुड बी एडेड सेम ऊपर की तरह 2 6 होल 7 अपॉन 15 टू गेट, तो क्या लिखोगे, बी शुड बी एडेड 8 होल 1 अपॉन 5, और किसमें ऐड करना था वो माइनस कर दें, और वो नंबर दे रखा है 6 होल 7 अपॉन 15,
सॉल्व करते हैं, 5 8 41 अपॉन 5 माइनस है तो माइनस, 15 6 90 प्लस 7 97 अपॉन 15, 5 और 15 का एलसीएम 15, 5 का डिवाइड 50 में 3 टाइम्स किया, 3 का मल्टीपल कर दो, 3 बन जा 3 4 जा 12 माइनस 97 क्योंकि 15 बन जा 1 का मल्टीपल 97 में करेंगे तो 97 ही आएगा, सबट्रैक्ट कर दें आंसर आ जाएगा 13 में से 7 गया 6 और 11 में से 9 गया 2, ये आंसर हो गया। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हैं, 15 बन जा और कितना बचा 11, तो बी शुड बी एडेड 1 whole 11 upon 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है ना, ये तो पूरा हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 करते हैं। एंड क्वेश्चन 24 इज सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3 whole 5 upon 9 एंड 3 whole 1/3 फ्रॉम द सम ऑफ 5 whole 5 upon 6 एंड 4 whole 1 upon 9। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों का सम फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों का, इसके सम में से जो भी आएगा क्या माइनस करना, इसको इसको सम को सब्ट्रैक्ट करना फ्रॉम द सम ऑफ दिस, तो इन दोनों के सम को इन दोनों के सम से माइनस करना है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द सम ऑफ दिस एंड दिस, चलिए करते हैं। तो चलो ये हमने लिखा द सम ऑफ 3 whole 5 upon 9 एंड 3 whole 1/3 इज, दोनों को ऐड कर लिया, मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लिया, एलसीएम कितना आ गया 9, तो क्या हो गया 32 प्लस 3 का डिवाइड 9 में 3 टाइम्स, 3 × 10 = 30, तो ये कितना हो गया 62 upon 9। कोई मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिख रहे, ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि अभी इसमें से हमें माइनस करना है, अब इसको माइनस करना सॉरी। अब बाकी के दो नंबर क्या थे वो लिख लेते हैं, सम ऑफ 5 whole 5 upon 6 एंड 4 whole 1/9, तो क्या होगा 5 whole 5 upon 6 प्लस 4 whole 1/9, 6 5 = 30 + 5 = 35 upon 6, 9 4 = 36 + 1 = 37 upon 9, 6 और 9 का एलसीएम आ गया 18, 6 3 = 3 टाइम्स किया, 3 का मल्टीपल 35 में करा तो 105, 9 2 = 18, 2 टाइम्स किया ना, 2 का मल्टीपल करेंगे तो 74, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 + 4 = 9 और 10 और 7 = 17 upon 18। अब क्वेश्चन क्या है, ये सम इसमें से माइनस करना है तो कर देते हैं, नाउ यही कर देते हैं, छोटा सा है, नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर फ्रॉम दिस, तो -62 upon 9, 18 और 9 का एलसीएम क्या हुआ 18, तो ये तो 179 ही आ जाएगा, माइनस 9 का डिवाइड 18 में 2 टाइम्स गया, 2 का मल्टीपल 62 में करा तो 124, सब्ट्रैक्ट कर दो इट इज द आंसर, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 5, यहां क्या है 7 में से 2 गया अगेन 5, तो 55 upon 18 और 18 3 जा क्या होते हैं 54, तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा 3 whole 1 upon 18 = 54 + 1 = 55, इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इन द क्वेश्चन 25 ऑफ 3 upon 4 एंड 5 upon 7 विच इज ग्रेटर एंड वाई हाउ मच, तो फ्रैक्शन का कंपैरिजन हम कैसे करते थे, दो फ्रैक्शन का तो बहुत इजी था, हमने बताया था, ध्यान करो लिख लिया, क्रॉस मल्टीपल कर लो सिंपल तरीका, और 5 का कर दो आप 4 में, ये कितना है 21, ये कितना है 20, इस सेट इसमें बड़ा पूछा तो कौन सा बड़ा है 21 है, तो लिखते थे सिंस 21 इज ग्रेटर देन 20, तो इस सेट का फ्रैक्शन क्या था 3 upon 4, तो 3 upon 4 बड़ा होगा, 3 upon 4 इज ग्रेटर देन 5 upon 7, या लिख सकते हो 3 upon 4 इज ग्रेटर, तो फर्स्ट आंसर हो गया। फिर पूछा है हाउ मच, हम पूछा है कि 15 एंड 20 में से कौन सा बड़ा है, तो तुरंत आंसर आ गया 20, कितना ये भी तुरंत आ गया 5, कैसे निकाला, जो बड़ा है उसमें से छोटा नंबर 15 को सब्ट्रैक्ट करा 20 में से 15, सेम यहां करेंगे हाउ मच, तो 3 अपॉन 4 में से
हम 5/7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. नाउ वी विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 3/4 एंड 5/7. 4 और 7 को प्राइम है तो इसका एलसीएम इनका प्रोडक्ट 4 7 जा 28. 4 का डिवाइड 28 में 7 टाइम्स गया और 7 3 जा 21 माइनस 7 का डिवाइड 28 में 4 टाइम्स और 4 × 5 20 और 21 में से 20 सब्ट्रैक्ट करा तो 1/28. तो ये कितना बड़ा है तो लिख सकते हो 3/4 इज ग्रेटर बाई 1/28. 1/28 से बड़ा है. ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट. नाउ क्वेश्चन नंबर 26. लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या है. मिसेस सोनी बॉट 7 whole 1/2 liter ऑफ मिल्क. सोनी ने इतने लीटर मिल्क बॉट कर खरीदा है ना. आउट ऑफ दिस मिल्क 5 whole 3/4 liters वाज कंज्यूम. इतना खर्च हो गया तो हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट विथ हर. अब उसके पास कितना लीटर दूध बचा. बहुत सिंपल सा है, 4 liter दूध खरीदा, 3 liter खर्च कर दिया तो कितना बचा, 4 - 3, यानी कि जो खरीदा है उसमें से जितना कंज्यूम हो गया माइनस कर दें बस. तो रिमेनिंग मिल्क क्या हो गया, 7 whole 1/2 माइनस 5 whole 3/4. लीटर बाद में लिख लेंगे. ये कितना हो गया, 15/2 माइनस कितना होगा, 20 + 3 23/4. 2 and 4 का एलसीएम 4 आ गया. 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम्स, 2 × 15 = 30 और ये 23 आंसर आ गया. कितना लीटर रिमेनिंग बचा, 7/4. अगर मिक्स में लिखेंगे तो 1 whole 3/4 liter मिल्क अब हमारे पास बचा हुआ है. हमारे पास नहीं बल्कि मिसेस सोनी के पास बचा हुआ है. ओके, तो इट इज द सॉल्यूशन. समझ में आ गया, सिंपल सा था. कुछ लीटर दूध खरीदा और उसमें से कुछ खर्च कर दिया तो रिमेनिंग क्या हुआ, जो खरीदा उसमें से जो कंज्यूम हो गया उसको माइनस कर दिया और सॉल्व करके 7/4 आ गया. इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया, 1 whole 3/4 liter. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. नाउ क्वेश्चन नंबर 27, लिसन द क्वेश्चन. अ फिल्म शो लास्टेड फॉर 3 whole 1/3 hours. आउट ऑफ दिस टाइम 1 whole 3/4 hour was spent on advertisement. What was the actual duration of the film? तो हम मूवी देखने गए, टोटल मूवी में हमारा टाइम इतना खर्च हुआ 3 whole 1/3. उसमें से 1 whole 3/4 हमारा लंच वगैरह जो टीवी बीच में ऐड आए उसमें खर्च हो गए. तो कुल पिक्चर कितनी लंबी थी, कैसे निकालेंगे, टोटल जो टाइम है उसमें से एड के टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दें. सिंपल सी बात, वही हम कर रहे हैं. हमने लिख लिया टोटल टाइम स्पेंड इन फिल्म, दिस टाइम स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट 1 whole 3/4 hours. तो एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म इसमें से इसको माइनस करना है. 3 whole 1/3 माइनस 1 whole 3/4. ये कितना हो गया, 3 3 जा 9 और 1 10/3. 4 1 जा 4 और 3 7/4. सॉल्व करना है. 3 और 4 कंसेक्यूटिव नंबर है तो उनके प्रोडक्ट के इक्वल एलसीएम होता है. 3 का डिवाइड 4 में 12 और 4 का डिवाइड 12 में 3 टाइम्स, 3 का 7 में 21. 40 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 आएंगे ना, 19/12. इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो लिख लो, 1 whole 7/12 hour. इट इज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म. फिल्म कितनी बड़ी थी, 1 whole 7/12 hour की. ओके, नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 28. एंड द क्वेश्चन 28 इज, इन वन डे अ रिक्शा पुलर अर्न 137 whole 1/2 rupee. आउट ऑफ दिस मनी ही स्पेंड रुपी 56 whole 3/4 ऑन फूड. तो हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम. समझ में आ गया, टोटल एक दिन में इतने रुपए कमाए,
इतने खाने पर खर्च कर दीजिए, तो कितने बचे, इसमें से इसको माइनस कर दें, बस सबट्रैक्ट करना है सिंपल सा। हमने लिख लिया अर्निंग ऑफ फॉर एक सप्लायर इज 137 होल 1/2 रुपीज, स्पेंट ऑन हिज फूड उसके खर्च कितने हो रहे खाने पर 56/3/4, तो रिमेनिंग मनी क्या होगी, इसमें से इसको माइनस कर दें, 137 होल 1/2 माइनस 56 होल 3/4 करें, इसका मल्टीपल करेंगे तो 274 प्लस वन 275/2 हाँ ठीक है, माइनस इसका करेंगे तो कितना हो गया 527। एक बार चेक कर लू, नहीं 500 क्यों 400 चार सिंह 24 कितना अच्छा 2 4 5 20 और 2 22 24 227 चलो सही रहा, 227/4 ओके। अब बस सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम कितना आया 4 2 2 2 times क्या 2 का मल्टीपल कर दो, 2 5 10 2 7 14 और 1 15 कैरी 1 2 2 4 5 और ये 227। एक बार और चेक कर लूँ निकल हो जाएगा 4 6 24 यहाँ से लगा 2 4 5 20 2 22 224 ठीक है ओके, तो इसको हम माइनस कर दें, ये आंसर हो जाएगा 10 में से 7 गया 3 यहाँ 4 रह गया, 4 में से 2 गया 2 और यहाँ 5 है, 5 में से 2 गया 3/4 तो 80 होल 3/4 इज द आंसर हो जाएगा इसका, है ना, जब 4 का डिवाइड करेंगे तो 80 टाइम जाएगा, ये देखो दिखा देता हूँ मैं आपको, 80 चौका 320 जिसे बोलते हैं 3 बचा तो ठीक है ओके। तो रिक्शा चालक के पास कितनी रिमेनिंग रहेगी, 80 होल 3/4 रुपीज उसके पास बचेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 29 एंड द क्वेश्चन इज लिसन केयरफुली, अ पीस ऑफ वायर 2 होल 3/4 meter लॉन्ग ब्रोक इन टू 2 pieces, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी दे रखी है आप वो लिख लीजिए, टोटल लेंथ ऑफ वायर और वो हमें दे रखी है 2 होल 3/4 meter, 1 piece इज 5/8 meter लेंथ ऑफ 1 piece, लेंथ ऑफ 1 piece इसको हमने क्या करा 2 pieces में तोड़ लिया, जिसमें एक पीस की लेंथ है 5/8 meter तो सेकंड की फाइंड करनी है, मान लो 12 meter समझाने के लिए 12 meter का वायर है, एक को हमने 4 meter में तोड़ लिया तो दूसरे की लेंथ कितनी होगी 8, कैसे निकाला 12 में से 4 सबट्रैक्ट कर दें, यानी कि टोटल लेंथ में से 1 piece की लेंथ को सबट्रैक्ट कर दें तो अदर पीस की लेंथ निकलेगी, यही काम हमें यहां करना है, पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पीस तो लिख दो लेंथ ऑफ अदर वायर पीस, कैसे टोटल लेंथ में से जो वायर पहले पीस का है उसको माइनस कर दें, जो लेंथ पहले पीस की है सॉल्व करते हैं से 4 2 8 8 और 3 11/4 माइनस 5/8 इट्स इक्वल 4 और 8 का एलसीएम 8 आ गया, 4 का डिवाइडेड पर 2 टाइम्स 2 × 11 11 2 जा क्या होता है 22, 8 का डिवाइडेड पर 1 टाइम्स 1 5 जा 5 22 में से जब हम 5 सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 17, 8 2 जा 16 और रिमाइंडर 1, तो सेकंड जो पीस है वायर उसकी लेंथ होगी 2 होल 1/8 meter ओके। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में भी आ गई होगी, तो इसको फिर पकड़िए आप लोग, और अगर जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो चैनल को सब्सक्राइब किए, बेल आइकन को भी पुश कर दीजिए जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो तो वो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आपकी जो कोई कंप्लेंट है, जो कोई डाउट है या आपकी जो डिमांड है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, मैं उसको पूरी दूर करने की कोशिश करूंगा, है ना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।